असलियत और ख्वाब में क्या अंतर हो सकता है? शायद सच्चाई या फिर झूठ। सत्य परिस्थिति की सच्चाई और उसे ख्वाब का चेहरा और उसे मेहनत की साथ अगर ना मिले तो वो समय का दुरुपयोग हो सकता है। इतनी दार्शनिक होने के लिए माफ कर दीजिए, पर आज आप लोगों को मैं ऐसी हस्ती से रूबरू करवाने वाली हूँ जिसे एक जमाने में आपने बड़े पर्दे पर देखा था, पर कुछ साल के बाद वो इस कदर गायब हुई कि उन्हें फिल्मों में खोज पाना मुश्किल हो गया। खैर, आपने वो गाना सुना ही होगा, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। गेम खेलकर पैसे जीतने की खुशी कुछ और ही है, आपको नहीं पता? अरे मैं बात कर रही हूँ प्लेयर स्पॉट ऐप की, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप है। यहाँ रोज 50 लाख रुपए की विनिंग्स है। यहाँ आपको 15 प्लस गेम्स मिलेंगे, जैसे फ्रूट स्लाइस, स्नेक एंड लेडर, शीप फाइट, रमी, हाउजी, चेस, एंट मैन और भी बहुत सारे। और आप अपने बचपन का फेवरेट गेम लूडो खेलकर लाखों रुपए जीत सकते हो। बस आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन करो लूडो गेम। यहाँ पर आप लाइव चैट कर सकते हो और प्राइवेट लूडो पॉट पे दोस्तों के साथ खेल सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि प्लेयर स्पॉट ही क्यों? क्योंकि प्लेयर स्पॉट 100% सिक्योर और मेड इन इंडिया है। 7 मिलियन प्लस यूजर्स हैं और इजी विड्रॉल है। और साथ ही मेरे पास आप सभी के लिए एक शगुन है, मेरा रेफरल कोड PLACE200 यूज करो और पाओ 200 रुपए का साइन अप बोनस। जी हाँ, प्लेयर स्पॉट पे रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से अपने फ्रेंड को इनवाइट करो और उनके गेम्स खेलने पे 2% विनिंग्स आपकी। अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और विन करो, वरना बोलोगे कि बताया नहीं। गुजरे जमाने की नृत्यिका और गायिका जद्दन बाई की पोती, सुपरस्टार नरगिस की भांजी, इस फैमिली बैकग्राउंड में जन्मी जाहिदा को कौन भूल सकता है? ये वो अभिनेत्री हैं जिनमें टैलेंट और खूबसूरती कूट कूट के भरा था, पर उन्होंने सिर्फ 3-4 फिल्में की। इतनी कम फिल्में करने के बाद भी वो आज भी प्रसिद्ध हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी जाहिदा हुसैन की। 9 अक्टूबर 1944 को मुंबई में जन्मी जाहिदा हुसैन बचपन से फिल्मों के प्रति दिलचस्पी लिया करती थी। बचपन में उन्हें घर में जी इस नाम से पुकारा जाता था। साथ ही उन्हें 4 भाई और 3 अन्य बहनें भी थी। वो सब मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव इलाके में रहा करते थे। उनके पिता अख्तर हुसैन और माता इकबाल हुसैन फिल्म जगत से जुड़े थे। जायज सी बात है कि उनका पूरा परिवार फिल्मों में अलग अलग डिपार्टमेंट में सक्रिय था। जाहिदा के पिताजी का उन दिनों एक स्टूडियो भी हुआ करता था, नाम था रंग महल स्टूडियो। जब जाहिदा बाल उम्र में थी तब हमेशा वो बड़े एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखा करती थी। जिस लड़की ने बचपन से हीरोइन बनने का सपना सजा के रखा हो, वो लड़की अपने जीवन काल में इतनी कम फिल्मों में कैसे काम कर सकती है? सवाल अटपटा लगता है, पर जवाब बहुत गहरा है। बचपन से जाहिदा बड़ी भावुक और चंचल थी। अपने भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का एकमेव विकल्प सिर्फ फिल्में हैं, ये उनका मानना था। जब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स पिताजी से मिलने उनके घर आते थे, तब 14-15 साल की जाहिदा पिताजी संग बैठा करती थी। भोली भाली सूरत पर नजर पड़ते ही फिल्म मेकर्स अख्तर हुसैन से अनुरोध करते थे कि बेटी को फिल्मों में काम करवाओ। इस पर जाहिदा भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया करती थी। एक दिन गुरुदत्त साहब ने अख्तर हुसैन के इजाजत से जाहिदा को अपनी आगामी फिल्म कनीज के लिए साइन करना चाहा। उस दौरान जाहिदा 16 साल की थी। किसी ने जाहिदा को कहा, ये जो गुरुदत्त है ये नई लड़कियों को फिल्मों में साइन कर लेते हैं और बाद में फिल्म बंद कर देते हैं। इस बात पर यकीन करते हुए बेचारी जाहिदा ने फिल्म को ना कह दिया। फिर गुरुदत्त ने सिमी ग्रेवाल को साइन कर दिया, पर आगे चलकर ये फिल्म बन नहीं पाई क्योंकि गुरुदत्त साहब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। एक दिन अख्तर हुसैन ने जाहिदा से कहा, ऐसे घर बैठकर फिल्मों के ऑफर्स आने का इंतजार करने से बेहतर है तुम फिल्म स्टूडियोज जाओ, लोगों से बात करो, बड़े फोटोग्राफर्स को अपने फोटोज खींचने को कहो। जाहिदा ने पिताजी की बात मान ली
अगले दिन उन्होंने प्रसिद्ध फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री और डायरेक्टर राज खोसला से मुलाकात की। फली मिस्त्री ने उनके कुछ फोटोग्राफ्स खींचे और फिर राज खोसला को दिखाए। उस दौरान वो देव आनंद और वहीदा रहमान को लेकर साजन की गलियां नामक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में राज खोसला ने जाहिदा को साइन कर लिया था, पर आगे चलकर ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। ऐसा ही एक किस्सा बड़ा मजेदार है। नरगिस अपने भांजी के करियर को लेकर काफी चिंतित थी। एक दिन खुद महान फिल्मकार राज कपूर साहब ने अख्तर हुसैन को जाहिदा के नाम ब्लैंक चेक दिया। राज साहब बोले, अब जाहिदा आर के बैनर के अंतर्गत फिल्मों में पदार्पण करेगी। ये बात जब नरगिस को पता चली, तब तुरंत ही उन्होंने जाहिदा से इस ऑफर को ठुकराने को कहा। अब आप इतना तो जानते ही होंगे कि नरगिस ने ऐसा क्यों किया होगा। राज कपूर साहब को लेकर इंडस्ट्री में काफी किस्से मशहूर हैं। साल बीतने लगे, फिल्में आती रही और जाहिदा के हाथों से जाती रही। एक दिन जाहिदा रात और दिन फिल्म की शूटिंग देखने स्टूडियो गई थी। वहां नरगिस भी थी। उस स्टूडियो के दूसरे फ्लोर पर देवानंद साहब तीन देवियां फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नरगिस के आने की खबर मिलते ही देवानंद उन्हें मिलने पहुंचे। नरगिस के साथ जाहिदा भी थी। उन्हें देखते ही देवानंद ने अपनी आगामी फिल्म गैम्बलर के लिए उन्हें साइन कर लिया। कुछ महीने बाद शूटिंग भी शुरू हुई, पर इस फिल्म को बनते बनते बहुत साल गुजर गए। इस दौरान अन्य फिल्में जाहिदा को मिली और रिलीज भी हुई। गैम्बलर फिल्म के शूटिंग के वक्त प्रोड्यूसर LB लक्ष्मण ने अपनी फिल्म अनोखी रात के लिए जाहिदा को चुन लिया। वो नरगिस के पहचान के थे, क्योंकि नरगिस की प्रसिद्ध फिल्म चोरी चोरी को इन्होंने ही निर्माण किया था। फिल्म अनोखी रात में संजीव कुमार तथा परीक्षित साहनी भी थे। गैम्बलर फिल्म की शूटिंग होती रही और यहाँ 1968 में अनोखी रात रिलीज भी हो गई। तो इस तरह जाहिदा की पहली फिल्म दर्शकों तक पहुंची। ये फिल्म हिट रही और 1970 में रिलीज हुई गैम्बलर उससे भी बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया गाना चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है काफी मशहूर हुआ। अपने इन दो फिल्मों के आधार पर जाहिदा हुसैन ये नाम सभी के जुबान पर चढ़ गया। देव साहब के साथ जाहिदा इतनी घुल मिल गई कि उनको लेकर इंडस्ट्री में अफवाहों ने घर कर लिया। इन अफवाहों को नया चेहरा तब मिला जब जाहिदा ने एक फिल्म में देव आनंद की बहन का किरदार करने से मना कर दिया। आगे चलकर वो किरदार जीनत अमान ने अपना लिया। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में जो बातें फैलती हैं वो आधी झूठ और आधी सच होती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जाहिदा ने इन अफवाहों को गलत भी साबित किया था। पर जिस फिल्म को जाहिदा ने देव आनंद की बहन का रोल निभाने के लिए मना किया था, वही फिल्म गैम्बलर से भी ज्यादा सुपरहिट साबित हुई। 1972 में रिलीज हुई वो फिल्म थी हरे राम हरे कृष्णा। मेरी नज़र में इस फिल्म को ठुकरा कर जाहिदा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब आते हैं जरूरी मुद्दे पर। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे तंग आकर जाहिदा ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। एक इंटरव्यू के दौरान वो खुद बताती हैं, रात और दिन अपने जमाने की अच्छी फिल्म थी, पर इस फिल्म के कारण पिताजी के काफ़ी पैसे डूब गए। उस दौरान आंटी नरगिस को सुनील दत्त साहब फिल्में करने से रोकते थे। उनके जाने के बाद घर का मुख्य आधार भी टूट गया। ऐसे में फिल्म जगत में ऐसे लोग थे जो मुझसे बदला लेना चाहते थे। दरअसल मैंने इतनी फिल्में की नहीं जितनी की ठुकरा दी थी। आगे चलकर वो लोग बड़े स्टार कहलाए, उन्होंने कभी मेरे तरफ देखा नहीं। ऐसे में मैंने तीन चोर और प्रभात ये दो फिल्में की और शादी कर ली। जाहिदा उन अभिनेत्रियों में से हैं जिनमें टैलेंट खूबसूरती सब कुछ था, पर अपने गलत फैसले के कारण वो अभिनय क्षेत्र में कामयाब हो नहीं पाई। हेमा मालिनी, फिरोज खान, संजीव कुमार ये ऐसे लोग थे जो आने वाली सभी फिल्में करते थे और अपने अभिनय को नई रूप लेखा दिया करते थे। इन्होंने जो किया वो जाहिदा कर नहीं पाई। जाहिदा के पति का नाम केसरी नंदन सहाय है जो एक बिजनेसमैन है। उनसे उन्हें दो बेटे हुए जिनमें से एक बेटे नीलेश सहाय हैं जो बड़े पर्दे पर दिख चुके हैं। नीलेश ने साल 2011 में रिलीज हुई गणेश आचार्य की फिल्म एंजल से डेब्यू किया था।
तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।